हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड सेफ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड टुडेज टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सो बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि MIS में जो प्लानिंग की जाती है, उस प्लानिंग की क्या प्रोसेस होती है। ऐसी आप अगर प्लानिंग MIS में करें या मैनेजमेंट में भी प्लानिंग के कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बट फिर भी हमारे टॉपिक में मेंशन है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज योर, अगर हम प्लानिंग प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। द एनालाइज एंड प्लानिंग टीम शुड स्कैन बोथ द एनवायरमेंट विच आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड फाइंड द रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ टू डेवलप इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपका फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग प्रोसेस का, उसमें हम एनालाइज करते हैं आपके इंटरनल एनवायरमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट को। जो भी आपकी प्लानिंग टीम होती है वो आपके इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेती है। देन आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल चीज़ें भी सारी एनालाइज कर ली जाती हैं। उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़, स्ट्रेंथ, ट्रेड, हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद फाइनली आपकी क्या किया जाता है, आपके लिए प्लान्स को डेवलप किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो हो जाता है वो आपका यही हो जाता है, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ। द सेकेंड इज एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। सी, एवरी सिस्टम हैव टू फ्रेम इट्स ओन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। द प्लानिंग टीम बिफोर एस्टेब्लिशिंग द प्लानिंग स्टेप दे शुड फाइंड द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स फॉर वॉट दे हैव प्लान और ट्राइंग टू डू। इट मीन्स दैट कि जब भी आपको इस सिस्टम डेवलप करने जा रहे हो, यहाँ पे अगर हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो हम सिस्टम के रिगार्डिंग प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो जब भी कभी आप कोई सिस्टम डेवलप करते हो तो उस सिस्टम के गोल्स और उस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स पहले से डिफाइन कर दिए जाते हैं कि पर्टिकुलरली ये सिस्टम क्यों डिज़ाइन किया जा रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप आपका यही हो जाता है कि आपको क्या करना है कि उन सिस्टम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें कि बेसिकली आपके सिस्टम के अल्टीमेटली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नेक्स्ट इज डेवलप दी प्रमाइसिस। अगर मैं डेवलप दी प्रमाइसिस की बात कर रही हूँ तो इन दिस स्टेप वी आर फाइंडिंग आउट वेरियस सॉल्यूशंस एंड डेवलप द प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर ऑल दी सॉल्यूशंस। लाइक आपको क्या करना है कि आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स यहाँ पे डिटरमाइन किए हैं, उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आपको जितने भी आपके रिसोर्सेज लगने हैं या जितने भी आपके फैक्टर्स इंक्लूड होने हैं, उन सब के लिए आपको एक प्रमाइसिस डेवलप करना है। लाइक प्रमाइसिस से डेवलप करने का मतलब ये है कि आपको उन सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है। ओके, नेक्स्ट इज डिटरमाइन द अल्टरनेटिव्स। डिटरमाइन द अल्टरनेटिव्स में क्या किया जाता है, बेसिकली आपके जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है। आफ्टर फाइंडिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स द प्लानिंग टीम हैव टू आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज अदर अल्टरनेटिव टू रीच द ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अगर हमने एक प्लान बना लिया, यहाँ पे जो डेवलप्ड प्रमाइसिस में हमने किया, यहाँ पे हम जितने भी फैक्टर्स थे उनको इकट्ठा कर रहे थे और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके एक प्लान फॉर्मुलेट कर रहे थे। जब हमारे एक प्लान यहाँ पे फॉर्मुलेट हो गए तो उस प्लान के अलावा हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको डिटरमाइन करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। ओके, जब आप इस चीज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने के लिए इस प्लान के अलावा एक अनदर प्लान भी है या और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं, वो चीज़ें हम डिटरमाइन दी ऑल्टरनेटिव्स में करते हैं। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट दी ऑल्टरनेटिव। तो इवैल्यूएट दी ऑल्टरनेटिव में बेसिकली क्या होता है, टीम हैज़ टू इवैल्यूएट दी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में बेसिकली हम एनालाइज करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अपने थ्रेड्स को, कि हम जो ऑल्टरनेटिव चूज करें क्या वो हमारे लिए फीजिबल है या नहीं है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आप इसे एक सिंगल वर्ड में समझ सकते हो कि हम फीजिबिलिटी एनालिसिस करके देखते हैं कि जो भी ऑल्टरनेटिव हम चूज कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना फीजिबल है। जब हम अपनी फीजिबिलिटी एनालिसिस कर लेते हैं देन हम क्या करते हैं, किसी भी ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी फीजिबिलिटी एनालिसिस के हिसाब से हमारे लिए बेस्ट होता है। जब आप एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुन लेते हैं, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ जाता है फॉर्मुलेट दी प्लान। देन आप उसी ऑल्टरनेटिव के हिसाब से अपना प्लान ड्राफ्ट कर लेते हैं एंड प्लान ड्राफ्ट करने के बाद आप बजटिंग कर लेते हैं। बजटिंग के साथ साथ आप इसको कंट्रोलिंग भी लिख सकते हैं कि आप बजटिंग कर लेते हैं। बजटिंग मीन्स आपका कितना अमाउंट यहाँ पे खर्च होना है, कैसे खर्च होना है,
एंड देन आप उसे इम्प्लीमेंट करा देते हैं, और इम्प्लीमेंट कराने के बाद आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टेब्लिश करनी होती है. सो आई थिंक आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आएंगे. दीज ऑल आर द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. और यही होता है आपकी प्लानिंग के रिगार्डिंग. अगर हम MIS में प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर इन्फॉर्मेशन सिस्टम. कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं, हम उस टाइप की प्लानिंग की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं. सो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी वीडियो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू, हैव अ गुड डे.